Hi students, I am Atul Rana and I am back with the 11th chemistry. 11th chemistry. We are studying chapter 2 and I think this is video lecture 11th of chapter 2. Video lecture 11th. Okay. So, in the other lecture we have studied about Planck's quantum theory and some numericals, basic numericals on Planck's quantum theory. Now today I will be discussing the spectrum with you. Okay. I will discuss the spectrum. What is spectrum? Okay. So you see in the junior classes you have studied that when you pass light, white light means no color, jiska koi color nahi. When you pass white light through a prism, okay? So there is a photographic film. Yahan pe photographic film hoti. This is known as photographic film. Okay, pass करोगे. So when white light is passed through prism, it separates into 7 different colors. जिसकी और ना light किससे बनी है? Violet. जिसकी और से बनी है? You all know rainbow color. Okay. So violet having the maximum frequency is deviated the most. जिसकी frequency सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा deviation होगी. सबसे नीचे क्या मिलता है आपको? Violet. उसके बाद indigo. Then blue, then green, then yellow, then orange, and then red. Okay, this is with you. Okay, this is obtained when you pass white light through a prism and obtain the image on a photographic film. Okay, so violet having the highest frequency will deviate the most, and red having the lowest frequency will deviate the least. Okay, so this is called a spectrum. Okay. The dispersal of white light or dispersal of radiation into different lines, this is also electromagnetic radiation into different lines or different colors is called as spectrum. Okay, agar yahan pe hum koi electromagnetic radiation lenge, so the scattering of light is called as spectrum. Scattering of light into different colors is called as spectrum. To yahi spectrum hai. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट लाइंस और कलर्स इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. ठीक है, बचपन में पढ़ा था स्पेक्ट्रम. दिस इज स्पेक्ट्रम. लिपग्योर इज द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिंगल रेडिएशन इनटू मेनी लाइंस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. ओके, सो वी विल स्टडी द स्पेक्ट्रम हियर. ओके, गेटिंग इट? सो हियर बेसिकली आर टू स्पेक्ट्रम. हम जो पढ़ेंगे तो उसी को मैं डिफरेंशिएट करके तुम्हें बता दूंगा. वन इज इमिशन स्पेक्ट्रम. Spectrum is full form of spectrum. So you can write emission spectrum also. Okay? And one is absorption spectrum. Emission का मतलब है light emit करना. जब कोई substance light emit करता है और उसके light emit करने से जो spectrum बनता है, that is known as emission spectrum. एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब किसी सब्सटेंस में से लाइट गुजारी जाती है और कुछ लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ को निकलने देता है. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, लाइट गुजारी जाएगी, एक सब्सटेंस में से लाइट पास की जाएगी, तो लाइट के कुछ हिस्से को इट विल एब्जॉर्ब और बाकी को निकाल देगा. तो बाकी जो पीछे स्पेक्ट्रम बनाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, ये लाइट रिलीज करेगा. उस लाइट को हम प्रिज्म में से गुजारेंगे और फिर उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम. आई एम अगेन टेलिंग यू, जब कोई सब्सटेंस लाइट इमिट करेगा, जैसे किसी सब्सटेंस को हीट करो, जैसे तुम आयरन को हीट करते हो तो पहले रेड होता है, कोई रेडिएशन निकलती है तब रेड होता है ना, फिर येलो होता है, किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी तब येलो होता है. ठीक है, तो जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, ठीक है, और फिर वो लाइट इमिट करेगा, उस लाइट को हम या उस रेडिएशन को हम प्रिज्म से गुजारेंगे और फिर उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम. और दूसरे में एब्जॉर्प्शन में हम हीट नहीं करेंगे, लाइट लेंगे, कोई सब्सटेंस बीच में रख देंगे, उसमें से गुजार देंगे. ठीक है, अब लाइट के कुछ हिस्से को तो वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को जाने देगा, जो बाकी हिस्सा चला गया उसको प्रिज्म में से गुजार के स्पेक्ट्रम देख लेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. वेरी सिंपल. ओके, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसमें क्या किया हमने, जैसे किसी सब्सटेंस को हमने हीट किया, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको हमने क्या किया, हीट किया. ठीक है, अब हीट करने के बाद वो कोई ना कोई रेडिएशन निकालेगा. हीट करने के बाद क्या होगा, देखो अंदर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर चले जाएंगे.
हीट से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप मारेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके ऊपर गया उसको बाहर फेंक देगा, उसको क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा उस एनर्जी को, ठीक है। तो उसी जो एनर्जी उसने बाहर फेंकी है रेडिएशन, उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम प्रिज्म में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हमने इसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन के ऊपर चला गया, ऊपर जाते नीचे आया तो उसने एनर्जी इमिट कर दी, जो ऊपर लेके गया था नीचे आते फोटो इलेक्ट्रिक घटक आपको बता दिया, नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट कर देगा, जो एनर्जी उसने इमिट कर दी, ठीक है, जो एनर्जी इमिट की ना कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट किया किसी फ्रीक्वेंसी की, कोई भी कलर देगा तो किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगा ना, तो उसने कोई मान लो लाइट इमिट कर दी, ठीक है। तो अब ये लाइट सिर्फ एक कलर की होगी, जैसे मान लो हमने यहां पे सोडियम लिया, हम सोडियम को हीट करते हैं तो कौन सी लाइट निकलेगी, सिर्फ येलो लाइट, ओके। सोडियम को हीट करें तो कौन सी लाइट आएगी, सिर्फ येलो लाइट आएगी। यहां पे मान लो पोटेशियम को हीट करते हैं तो पोटेशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से फिर से नीचे आते हैं तो जो वो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं उसकी रेडिएशन ब्लू कलर से होती है, तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर इमिट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से इमिट कर देंगे, प्रिज्म लगा देंगे, तो जब इस लाइट को हम देखेंगे तो क्या होगा, बाकी सिर्फ येलो कलर, सिर्फ येलो कलर की लाइन आएगी, सिर्फ येलो कलर की लाइन आएगी, बाकी जो है बी आई बी जी ओ आर वहां पे क्या होगा, डार्क स्पेस में होगी, वहां पे कलर नहीं आएगा क्योंकि वो कलर इसने दिए नहीं है, इसने सिर्फ कौन सा कलर दिया है, विजिबल लाइट का कौन सा कलर, सिर्फ येलो दिया है, तो येलो लाइन आ जाएगी हमारे पास और बाकी जगह क्या आ जाएगा, डार्क स्पेस, ठीक है, डार्क स्पेस ग्रीन की जगह, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, ठीक है। येलो की लाइन आएगी क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो येलो लाइट इमिट करता है, तो प्रिज्म में गुजरते हो येलो लाइट दिखेगी, अपना कौन सी लाइट दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ येलो, कौन सी दिखेगी, येलो वाली लाइट दिखेगी और बाकी पूरा स्पेक्ट्रम क्या डार्क आएगा, बाकी डार्क बैंड होंगे, इसके रेड पे डार्क बैंड, ऑरेंज पे डार्क बैंड, क्योंकि वो तो उसने इमिट नहीं किया, सिर्फ एक ही कलर इमिट किया है येलो, उसी तरीके से पोटेशियम का करेगा ब्लू कलर इमिट करेगा, तो क्या होगा, डिम ग्योर। तो यहां पे ब्लू की वाली एक अच्छी सी लाइन आ जाएगी, बाकी सारा स्पेस क्या होगा, ब्लैक होगा, बाकी सारा क्या होगा, डार्क लाइन आ जाएगी, बाकी क्या जाएगी, डार्क लाइन आ जाएगी, सिर्फ एक लाइन आएगी ब्लू की, बाकी सारा डार्क स्पेस आ जाएगी, ओके। सो दिस स्पेक्ट्रम जिसमें एक कलर या मैक्सिमम दो, एक कलर वेवलेंथ है, कलर कलर की रेडिएशन है और बाकी सारा डार्क स्पेस होता है, रेडिएशन स्पेक्ट्रम इसमें क्या आएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा नीचे आएगा तो एक ही कलर की रेडिएशन इमिट करेगा, तो वही हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, बाकी जो है येलो को छोड़ के इसका कलर ब्लैंक देखेंगे, सो दिस इज रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका उल्टा है, एब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने एन ए ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, ठीक है, लाइट कितने कलर की, व्हाइट लाइट होगी, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, ठीक है। आगे रख देंगे प्रिज्म, अब देखो व्हाइट कलर का कौन सा पोर्शन सोडियम अब्सॉर्ब करेगा, बीम की हो रहा ना व्हाइट लाइट, इसका कौन सा अब्सॉर्ब करेगा, येलो अब्सॉर्ब करेगा, येलो मीट करता तो अब्सॉर्ब भी क्या करेगा, येलो करेगा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन येलो अब्सॉर्ब करके ऊपर निकल जाएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर से येलो अब्सॉर्ब करेगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके वापस आने से पहले ये लाइट पास हो जाएगी प्रिज्म में से, प्रिज्म में से लाइट पास हो जाएगी, तो यहां पे देखो ठीक है, अब येलो अब्सॉर्ब हो चुका है, बाकी वॉयलेट किसके पास था, बी है, जी है, जी है बाई ओ आर, ठीक है, ऑरेंज को छोड़ के, सॉरी येलो को छोड़ के, येलो वाला पोर्शन सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने ले लिया ऊपर चला गया, बाकी ये इस वाले वापस आता है, लाइट हमने गुजार दी थी, ठीक है। तो बाकी ये देखो येलो को छोड़ के बाकी सारे के सारे कलर आ जाएंगे, बी आई बी जी वाई ओ सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है, येलो नहीं आएगा क्योंकि येलो यहां पर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसमें सारा कलर आएगा, एक ब्लैक लाइन आएगी, कौन सी, येलो वाली, और इसमें क्या होगा, सिर्फ एक लाइन आएगी येलो वाली, बाकी सारा ब्लैक आएगा, तो दिस इज दिस एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्पेक्ट्रम कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस, देखो इसमें कलर 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 और बीच में लाइन, ब्लैक लाइन आ गई, देन कलर कलर, बीच में टूट गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, और इसमें देखो इसमें देखो
ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बीच में लाइन ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो किस क्वांटिटी का स्पेक्ट्रा? इसमें लाइन आती है, इसमें येलो लाइन आ रही है, इसमें ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, इसमें येलो की जगह येलो लाइन आ रही है, वहां पे येलो की जगह क्या रहा है, लाइन आ रही है, गेटिंग द पॉइंट? यहां पे देखो सारी ब्लैक लाइंस है, सो दिस स्पेक्ट्रम आर ऑल्सो नोन एज, ये जो दोनों स्पेक्ट्रम है दीज आर ऑल्सो नोन एज दिस डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, दे आर ऑल्सो नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस क्योंकि देखो इसमें कलर कलर, यहां पर देखो ब्लैक था, ये कलर भी था, ये ब्लैक ब्लैक येलो हो गया, ब्लैक 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 ब्लैक, तो देखो ब्लैक हर जगह जगह बीच में येलो हो गया, तो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, यहां भी वॉयलेट इंडिगो ब्लू विबग्योर ग्रीन और येलो की जगह लाइन आ गई, तो कलर भी कॉन्टिन्यू था, नहीं रहा ब्लैक स्पेस भी कॉन्टिन्यू, यहां पे सारा ब्लैक स्पेस था बीच में येलो हो गया, यहां पे सारा कलर था बीच में येलो गायब हो गया, तो दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, या इनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन सारी ना बड़ी सारी लाइन 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 लाइन, इसमें देखो इस बारे में तो सारी लाइन ही है, ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन, ठीक है, कलर है ही कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, ओके, सो इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, क्योंकि ना तो कलर कॉन्टिन्यू है ना तो ब्लैक स्पेस इज कॉन्टिन्यू, तो दे बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड स्पेशली दिस एमिशन स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा, अमीशन का जो डिसकॉन्टिन्यूस पार्ट है, अमीशन डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, अमीशन का जो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है उसमें देखो सारी लाइन नहीं है, ब्लैक लाइन से बीच में कलर है, तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है, तो तुम पूछोगे दिस ओवर आर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा कौन देता है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देती है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट गुजारोगे तो सारे के सारे कलर क्या जाएंगे, आ जाएंगे बिब ग्योर, सारे के सारे कलर आ जाएंगे व्हाइट लाइट जो देंगे सिटी प्रिज्म के थ्रू, ना किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस करेंगे ना किसी सब्सटेंस से गुजारेंगे, जब सिटी प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट देंगे तो स्पेक्ट्रा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगा, सातों कलर आपस में कॉन्टिन्यूस होंगे, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये कॉन्टिन्यूस आ गया, एंड इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज डिसकॉन्टिन्यूस व्हाई, क्योंकि उसमें छह लाइन छह ब्लैक लाइन आएगी एक येलो लाइन कलर आएगी, और दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसमें छह कलर आएंगे येलो की जगह ब्लैक आएंगे, इसमें येलो की जगह ब्लैक ब्लैक लाइन आएगी क्योंकि येलो को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, और यहां पे सिर्फ येलो हिट होगी तो येलो की जगह येलो लाइन आएगी, बाकी सारे क्या आएंगे ब्लैक ब्लैक आएंगे, तो दिस बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूस, इसमें लाइन ज्यादा होती है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा इज ओनली स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, गॉट इट?